नमस्ते, मैं आई हूँ नवादा पंचायत के कोराव गांव में। यहाँ पे सोख्ता का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने दरवाजे के सामने गड्ढा खोद के पानी गिराते हैं। और लोगों का कहना है कि दिन भर ये गड्ढा से पानी निकाल के फेंकने में उनका पूरा दिन का समय चला जाता है। आइए जानते हैं गाँव के लोग से कि वो नाली कितने बार सफाई करते हैं और नाली ना सफाई करते हैं तो क्या क्या उन्हें दिक्कत होती है। नहीं के बनल सोखता नहीं के बनल तरह वो लोग के का दिक्कत होला। दिक्कत का बटे मतलब गढ़ा खोन के ओमे पानी गिरेला आ वही के रोज सफाई करनी सो। दिन भर में काई हाली सफाई होला? दुइयो बार सफाई करे के पड़ला, तीनो बार करे के पड़ला कपड़ा पर धोला। तो और का सोखता बने के चाहिए, मतलब गांव में कहीं सोखता नहीं के बनल। हमने के बाहर रहनी सो तो आवे नहीं सो तो ये पानी निकाल हई कर हऊ कर एकरा के छोड़ के दूसर काम ना कर पावे नहीं सो। लोग लो के दिन के पूरा समय ही में लग जाएला, यही में लग जाला। नाली नहीं के बनल, नाली नहीं के बनल तर वो लोग के का दिक्कत होला। हमने के सब कुछ के दिक्कत पर खादा बाटे, खादा हमें लड़का गिर जाता सब घर जाता खादा है सब हमें लड़का डूब जाता रहा सब हमने के वे दिक्कत। गड्ढा कै हाली साफ करने नहीं लो? दिन भर में दो हाली तीन हाली हो जाता, चारों हाली हो जाता। अच्छा कुछ लगा था सब बंधकी हो जाता है सब हो जाता थे। पानी गिराता तो लोग का खेत में पानी जाता, खेत में से तो लोग मने करता कि हमारा खेत में पानी ना गिरे के चाहिए, अपन पानी रोक के चाहिए। जब पानी के जगह बनाओ लोग हमने का खेत में पानी पानी रोक लो बना अपन खादा में अपना पानी गिरा लोग। के कहा था कि पानी मत गिराई लो? खेत वाला बोला था जरा खेत में पानी गिरता से रुकता जो पानी मत गिरा लोग अपना जगह कर लोग जब रही तो पानी ना गिरी। पानी हमने के सोखता नहीं के बनल से पानी गिरता। मेरा नाम नितेश कुमार सिंह है, प्रखंड समन्वयक मसरक में कार्यरत हूँ। सर, नवादा पंचायत के कोराव गांव में लोगों का आरोप है कि हम लोगों के यहाँ सोखता नहीं बना है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नवादा पंचायत SLWM के तहत चयनित है, अभी सरकार की तरफ से फंड नहीं आया है, जिसके चलते अभी उस पंचायत में अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे फंड आएगा उस पंचायत में हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है।